हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप जो है एक नॉर्मल बैंक अकाउंट जो है खुलाने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन से बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए और इसी सोच में मतलब डूबे हुए कंफ्यूज हैं कि यार कौन सा बैंक अच्छा होता है, कौन से बैंक की अच्छी सर्विसेज होती है, कम चार्जेस होते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप ही के लिए बात करूँगा, मतलब कि बैंक अकाउंट की बात करूँगा जो आपके काम की होगी, मतलब यूज़फुल होगी। जो तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई बैंक जो है अच्छी सर्विसेज देगा तो भाई अच्छे चार्जेस भी होंगे उसके। मतलब अगर सर्विसेज अच्छी दे रहा है, बहुत बढ़िया सर्विस दे रहा है, तो उतने जो है चार्जेस भी लगेंगे, मतलब ज़्यादा चार्जेस हो गए। अगर अच्छी सर्विसेज आपको चाहिए तो चार्जेस आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। बहरहाल ये एक बात हो गई। लेकिन आपको अकाउंट जो है एक ऐसी बैंक में खुलाना चाहिए जहाँ पर जो है आपको मतलब कि सारी सुविधाएँ मिले जो एक नॉर्मल जो है बैंक में होती है। तो उसमें भी जो है प्राइवेट बैंक भी आते हैं और अपने गवर्नमेंट के भी बैंक आते हैं, दोनों बैंक हैं। अगर आप प्राइवेट में चाहे तो प्राइवेट में खुलवा सकते हैं और जो है गवर्नमेंट वाले में चाहे तो गवर्नमेंट वाले में खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि यार बैंक जिसमें आप जो है अकाउंट खुलवा रहे हैं वह आपके एरिया से कितना दूर है, मतलब कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये नहीं कि यहाँ से 10 किलो 12 किलोमीटर दूर चल कर जाना पड़ रहा हो। तो कोई ऐसा ही बैंक चूज़ करना होगा जिसके ज़्यादा ब्रांचेज हो। भैया जब ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो वो हर हर एरिया में होगा, मतलब हर छोटे बड़े एरिया में, चाहे जो है कोई जो है टाउन एरिया हो या कोई विलेज हो, हर जगह मौजूद होगा उसका जो है ब्रांच। तो ऐसा ही क्या बोलते हैं बैंक चुनिए जिसके ब्रांचेज ज़्यादा हों ताकि आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम जो है बात करेंगे इन्हीं बैंकों के बारे में। तो सबसे पहले तो आता है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी ब्रांच जो है 24,000 हैं। ये भी लगभग मतलब अभी जो है अपडेट नहीं हुआ है, शायद पुराना डेटा है। ये 24,000 इसकी ब्रांचेज हैं, तो ये तो काफ़ी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसमें जो है ब्रांचेज जो है गांव में भी हैं, देहाती एरिया में भी है, बिल्कुल मतलब रूरल एरिया, और शहरी इलाके में भी हैं। और इसके ATM जो हैं वो ये भी लगभग 59,000 हैं, मतलब ये भी अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ये तो हम लोगों ने निकाला है। तो ये लगभग हमारे जो है अंदाज से 59,000 है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना डेटा है। तो ये एक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारे जो है कैमरामैन जो इस वक्त कासिम भाई, उनका भी अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लो मिलेगा, थोड़ा सा मतलब कि ठीक ठाक लो मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप जो है ये काफ़ी बड़ा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, फटाफट काम होगा। मतलब कि जैसे कि अगर आप कहीं से पैसे मंगा रहे हो तो तेज़ी के साथ पैसा आएगा उसमें, मतलब बाहर से पैसे मंगा रहे हो तो जल्दी जो है एक्सचेंज हो जाता है, नहीं तो दूसरे बैंकों में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम एक हफ्ते का तो समय लग ही जाता है, नहीं कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का समय लगता है, लेकिन इसमें बस 2-3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, निपट जाएगा। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भी एक जो है अच्छा खासा बड़ा बैंक है, काफ़ी ब्रांचेज इसकी भी हैं और इसके भी एसेट्स जो है शायद दूसरे तीसरे नंबर पे, मैंने इसका जो है देखा नहीं क्योंकि अपडेट नहीं था, यह अपडेट नहीं था, पुराना डेटा पड़ा होता इसलिए मैंने सोचा हटा हुआ। तो इसकी ब्रांचेस की बात करें तो 6,957 ब्रांच इसकी जो है मौजूद हैं, और ATM की बात करें तो 9,598 ATM इसके मौजूद हैं। फिर तीसरे नंबर पर बात करेंगे बैंक ऑफ जो है बड़ौदा की, क्योंकि ये भी बहुत जो है माना जाना और बड़ा बैंक है। ये तो इसका तो स्लोगन है कि इंडिया से इंटरनेशनल बैंक, मतलब इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। उसमें मेरा अकाउंट है, करीब आज से 5-6 साल हो गया है अकाउंट उसमें खुलवाए हुए। तो ये जो है ये भी अच्छा बैंक है, इसकी भी ब्रांच है 5,467 ब्रांच इसकी भी है। ये शायद 2017 का डेटा, 1 साल पुराना है। अब बात करेंगे हम प्राइवेट बैंकों की। तो भाई प्राइवेट बैंकों में जैसा कि आप लोगों को पता हो, बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ा चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो आपको मेंटेनेंस बैलेंस भी मतलब ज़्यादा रखना पड़ता होगा। जैसे कि मान लीजिए 10,000, कुछ में जो है 15,000, कुछ में 20,000, कुछ में 25,000। मतलब अगर प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट खुलवाते तो उसको आप कहिए कि महंगा बैंक, ये महंगा बैंक है प्राइवेट बैंक, लेकिन उसमें आपको सुविधाएं बहुत अच्छी दी जाएंगी और काम बहुत तेज़ी के साथ उसमें होता है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप जाइए उनसे बात कीजिए, वो जो है फ़ौरन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये होता है प्राइवेट बैंकों में, इसीलिए
जो है इनको महंगा बैंक भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा भैया, सरकारी जो जितनी भी चीज़ें होती है थोड़ा सा स्लो होती हैं। आप जो कभी गए होंगे सरकारी हॉस्पिटल में तो खुद ही आपको अंदाज़ा होगा क्या फ़र्क होता है प्राइवेट और सरकारी में। तो अब बात कर लेते हैं प्राइवेट वाले की। तो भाई प्राइवेट में सबसे बेहतरीन जो मुझे लगा है वो HDFC है भाई। HDFC की सुविधाएँ बहुत बेहतरीन है, उसके सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन चार्जेस भी हैं, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं, खास चार्जेस नहीं है। तो अगर आप चाहें तो HDFC अगर आपके एरिए के नज़दीक है तो वहाँ से आप वहाँ जाइए और वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खुलवाइए। तो इसके ब्रांच की बात करें तो इसकी ब्रांच है 4787 इसकी ब्रांचेज है 4787। और ATM की बात करें तो भाई ATM 12635, ये 2018 का डेटा और ये जो है सही डेटा है। बहुत बेहतरीन बैंक है। रेवेन्यू इसका जो है 12 US बिलियन का है 2017 का शायद ये। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है ICICI। इसके ब्रांचेज ज़्यादा है लेकिन ये जो है मैं इसको जो है HDFC बैंक से नीचे मानता हूँ, क्योंकि इसका जो है टोटल एसेट भी कम है HDFC से और इसके रेवेन्यू भी कम है। इसका रेवेन्यू जो है 11 मिलियन जो है बिलियन US डॉलर है। और इसकी ब्रांचेज की बात करें तो 4867 ब्रांचेज इसकी हैं। और ATM की बात करें तो 14367 जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो है ATM मशीन जो है सबसे ज़्यादा ICICI बैंक की है 14367। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है या थर्ड नंबर पे, इसके तो भैया मैंने जो है पढ़ा था कि जो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है ये बैंक है एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक से कहिए इसको। ये भी काफ़ी माना जाना बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। इसके ब्रांचेज की बात करें तो 3589 ब्रांचेज हैं इसकी। और ATM की बात करें तो कुल 13977 हैं। और ये जो 2017 का डेटा है उसका जो है रेवेन्यू देखें तो 6.3 जो है US बिलियन डॉलर। तो बस यही वीडियो में था, आप लोगों को जानकारी देनी थी कि भाई आपको आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा होगा, कौन सा बैंक जो है आपके लिए यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा जो है बैंक नज़दीक आपके जो है आप मतलब जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से नज़दीक जो है कौन सा बैंक पड़ रहा है। तो अगर जो है ये सब जो सहकारी बैंक या जो ये सब ग्रामीण बैंक नहीं है तो फिर तो उसी में खुलवा लीजिए। और अगर ये सब जो है ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक या जो छोटे छोटे बैंक होते हैं जो देहाती एरिया में होते हैं तो उनको छोड़ दीजिए और जो जाइए थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़िए और ढूंढिए कोई अच्छा बैंक मिलता है तो उसमें आप जो अपना अकाउंट खुलवाइए, जितने मैंने बताए हैं उन्हीं में से, क्योंकि यही जो है सबसे जो है प्रसिद्ध जो मतलब फेमस बैंक है, मशहूर बैंक है, इनके ब्रांचेज आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगे। तो और जो लोग जो है गूगल से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, मतलब गूगल एडसेंस से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, जिनकी जो है गूगल एडसेंस से पेमेंट आती है, उनके लिए भी जितने बैंक मैंने बताए हैं वो सबसे बेहतरीन बैंक है, अच्छे बैंक है, बहुत जल्दी पैसे आ जाते हैं और बहुत कम जो है उसमें जो चार्जेस करते हैं, जैसे सर्विस चार्ज हो गया और एक्सचेंज चार्ज हो गया, पता नहीं कौन कौन सा चार्ज, उसमें ट्रांजेक्शन का चार्ज हो गया, तो उसमें कई सारे चार्जेस होते हैं जो कट के जो है बहुत कम हो जाते हैं। मतलब अगर किसी का 7000 आने वाला है गूगल एडसेंस से तो उसको जो है 6000 ही मिलते हैं या फिर 6500 मिलते हैं, लेकिन ये जो बैंक है ना इनमें बहुत कम आपको कटेंगे। स्टेट बैंक और HDFC बैंक तो मैं जो सबसे ऊपर रखूँगा, इनमें बहुत कम चार्ज कटता है, मतलब कि ना के बराबर कटता है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं कटता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।